हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसु पांडे, क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में हमने आपको तीनों मेथड बता दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। इस बेस पे क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। आगे उसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आपके एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा करते हैं इससे पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा और इसमें दिए गए क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो गए होंगे। आज हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमने क्वेश्चन बताया था इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, उसी के क्वेश्चन को कुछ एडवांस करके हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने यह क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, 12/7 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2 एंड 7/2x प्लस 3y और प्लस 4/3x माइनस 2y इक्वल टू 2। जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, इक्वेशन है दो, इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। यदि क्वेश्चन में ये बोला हो कि सॉल्व द इक्वेशन, तो हम तीनों मेथड से किसी भी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा? या तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि जिसे बोलते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जब क्वेश्चन पार्टिकुलर या नहीं बोला हो कि इस मेथड से सॉल्व कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। हम इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू देखते हैं जो कि दोनों इक्वेशन में कॉमन हो। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझ जाइए कि हम कोई ऐसी वैल्यू देखते हैं जो दोनों इक्वेशन में कॉमन हो। तो पहले वाले में देखिए क्या है, 2x प्लस 3y, और दूसरे इक्वेशन में भी क्या है, 2x प्लस 3y। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 3x माइनस 2y, दूसरे इक्वेशन में भी क्या है, 3x माइनस 2y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2x माइनस 3y को कुछ थर्ड वेरिएबल मान लेंगे। कैसे, देखिए, जैसे कि यहाँ से लिखेंगे लेट 1/2x प्लस 3y इक्वल टू u। क्लियर, हमने क्या मान लिया, 1/2x प्लस 3y इक्वल टू u, एंड यहाँ पर भी 1/ है, 1/3x माइनस 2y इक्वल टू भी। क्लियर, यहाँ क्या बच जाएगा, 12/7 बच जाएगा, यहाँ 1/2 बच जाएगा। क्लियर है चीज़ें, देखिए। तो जब हमने यहाँ मान लिया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखिए 1/ इसकी जगह पर क्या रखा जाएगा, u, तो ये हो जाएगा आपका u/2। इसकी जगह पूरा क्या हो गया, पूरा इसकी जगह पे u हो गया, प्लस ये क्या है, 12/7 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो हम चाहें तो इसको क्या रख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 12v/7, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 12/7 तो अपनी जगह पे ही है, और इसको 3x माइनस 2y 1/, ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए इसको, हम 12/7 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 12/7 इंटू 1/3x माइनस 2y। बस इसी की जगह पर हमने क्या रख दिया, भी रख दिया, यहाँ पर ये बन गया। क्लियर, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, आप इस क्वेश्चन समझते रहिए, इक्वल टू 1/2, यानी पहला वाला इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ, तो पहला वाला इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। क्लियर, अच्छा हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि
इस टाइप के क्वेश्चंस को यदि आप डायरेक्ट सॉल्व करने लगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद सॉल्व भी न हो पाए, बीच में रुक जाएगा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को मान लेते हैं और मान करके क्वेश्चन को छोटा बना लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और तो सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14, और ये क्या हो जाएगा 7u, और ये हो जाएगा 24v इक्वल टू 1/2। 14 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7, 4u प्लस 24v इक्वल टू 7। क्लियर होगी चीज़ें, अब ये कटेगा नहीं किसी से, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। क्लियर, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी फर्स्ट से क्या बनाए क्वेश्चन नंबर 3। सेम ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, देखिए 7u एंड, ठीक है 7u, यहाँ से क्या हुआ 7u प्लस ये क्या बना 4v इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों इक्वेशन बने, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, दो इक्वेशन बने। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा दे रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड मेरे हिसाब से सबसे आसान होता है, आसान तीनों मेथड होता है, थोड़ा कम जगह लेता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पर भी 7u है, यहाँ पर भी 7u है, हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, क्या करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर, तो यहाँ आप लिखेंगे यहाँ से इक्वेशन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 3, लिखेंगे इक्वेशन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ से इक्वेशन 3, यानी 4 को हमने क्या किया 3 से सब्ट्रैक्ट किया। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या हो जाएगा, देखिए 7u प्लस 24v इक्वल टू 7, और ये क्या हो जाएगा 7v प्लस 7u है इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, सबका साइन चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करने पर सबका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 1 मिनट, देखिए तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये हो जाएगा 20v इक्वल टू 5, यानी v इक्वल टू 5/20, और काट तो क्या हो जाएगा 1/4, तो v की वैल्यू क्या हो गई 1/4। अब v की वैल्यू निकल गई तो हमको क्या चाहिए, u की वैल्यू चाहिए। तो u की वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग या फिर लिखेंगे पुटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी इन इक्वेशन। अब किस इक्वेशन में आप रखना चाहते हैं देख लीजिए, तो भी की वैल्यू को मान लीजिए हम रख देते हैं इक्वेशन 4 में, इन इक्वेशन 4 हमने भी की वैल्यू कहाँ रखा, इक्वेशन 4 में। तो जब भी की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखा तो क्या हो गया, देखिए 7u प्लस 4 भी, तो भी की वैल्यू क्या है 1/4 इक्वल टू 2, ये कट गया, यानी 7u इक्वल टू 2-1, ये ना, यानी u इक्वल टू 1/7। यहाँ से भी की वैल्यू आई और यहाँ से u की वैल्यू आई, लेकिन क्वेश्चन में आपको v और u नहीं दिया है, क्या दिया है x एंड y दिया है। तो हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है, तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है तो हम लास्ट में क्या करेंगे, हैंस v इक्वल टू 1/4, और हम v इक्वल टू क्या माने थे 1/3x-2y, यही ना, तो हम लिखेंगे 1/3x-2y इक्वल टू v इक्वल टू 1/4। ये दोनों किसके बराबर है, v के बराबर है, v के इक्वल हैं, तो डायरेक्ट ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, यानी इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और जब इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3x-2y
टू वाई इजक्वल टू फोर, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्लियर हो गई चीज़ें। हमने पहले v की वैल्यू निकाला, फिर उस v की वैल्यू को जहाँ माने हैं उससे कंपेयर किया, लास्ट में क्वेश्चन मिला हमको फिफ्थ। इसी तरह u की वैल्यू को 1 बाई ये 2x प्लस 3y इक्वल टू यू इक्वल टू 1 बाई सेवन, ये ना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू सेवन, इक्वेशन नंबर सिक्स। आप इक्वेशन मान सकते हैं, आपको आसानी के लिए इक्वेशन मान सकते हैं। तो मेरे पास लास्ट इक्वेशन क्या आया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। घबराने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे समझ लीजिए। इक्वेशन क्या आया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। पहले हमने माना, मान के छोटा किया, फिर सॉल्व किया, फिर वैल्यू को पुट किया। ओवरऑल भी जो मेरी वैल्यू है वो दो इक्वेशन के रूप में आया, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। एट लास्ट वी सॉल्व द इक्वेशन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एट लास्ट हम क्या करेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो मेरी x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो लिखेंगे, अच्छा क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम क्या कर दें, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 और ये क्या है 2x प्लस, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज़्यादा नंबर का आता है, मे बी 3 या 4 नंबर का आएगा। यहाँ फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए या तो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए या तो y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये होता है एलिमिनेशन मेथड में। यदि सब्सटीट्यूशन मेथड क्वेश्चन बोल दिया होता कि सॉल्व द क्वेश्चंस विथ सब्सटीट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, तब हम यह मेथड नहीं लगाते। यहाँ पर आ करके हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं, ये करते हैं। हाँ, वो चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। यदि पर्टिकुलर बोल देगा तो हमको यह मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको x की वैल्यू बराबर करनी है या तो y की वैल्यू बराबर करनी है, तो उसके लिए हम इक्वेशन फिफ्थ में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन सिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 6x और माइनस 4y, 2 3 6 एंड 2 2 4y इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 21। ये दो इक्वेशन निकल के आया, क्यों समझ में आया, 1 मिनट। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी मेरे पास फिफ्थ जो इक्वेशन था ऐसा हो गया और सिक्स वाला इक्वेशन ऐसा हो गया। हमने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ से ऐसा करने से एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब यहाँ से इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का साइन आपका चेंज हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा। क्लियर चीज़ें समझ में आ रही है ना, एक एक पॉइंट आपका, ये कितना हो जाएगा ऐड होने के बाद, माइनस 13y और ये कितना हो जाएगा, माइनस 13। माइनस माइनस कट जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी 1। वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्लियर हो गई चीज़ें, y की वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से आपको समझ में आई चीज़ें ना, हमने ऐसा क्यों किया, x की वैल्यू को इक्वल करने के लिए। यदि आप चाहो कि y की वैल्यू को इक्वल कर लें तो y की वैल्यू को यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अच्छा, ये हमको कैसे पता कि 3 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ x वैल्यू 2 है ना, और यहाँ x वैल्यू x के पास क्या है, 3। यहाँ x के पास 2 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट में, यहाँ पर 3 है तीसरे मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में। ऐसे ही आप y के लिए कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 1 आ गया। अब y की वैल्यू कहीं पुट कर दो, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फिफ्थ में पुट करते हैं, इक्वेशन फिफ्थ। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 × 1 इक्वल टू 4। क्लियर, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 4, देन 3x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 2
और वाई की वैल्यू वन। यदि आपको ये सारा मेथड समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपका 2 या 3 नंबर क्लियर है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और इतना बड़ा ही इसको सॉल्व करना होता है, इससे छोटा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो खूब आसानी से समझ लीजिए पहले हमने किया क्या। पहले ये क्वेश्चन था, इसको हमने 1/2x + 3y को क्या मान लिया u, फिर 1/3x - 2y को मान लिया v। इस तरीके से चाहे कुछ भी वैल्यू हो आप इसको u और v मान सकते हैं। मानने के बाद यहाँ पर v/2 हो गया, यहाँ पर 12 u/2 हो गया और 12 v/7 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने, ये आया इक्वेशन थर्ड बना। सेम इक्वेशन फोर्थ सेकेंड से हमने क्या बना लिया, इक्वेशन फोर्थ। उसके बाद हमने क्या किया कि थर्ड से फोर्थ को क्या कर लिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट किया तो भी की वैल्यू आ गई, फिर भी की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन फोर में तो हमको यू की वैल्यू मिल गई। फिर यू और भी की वैल्यू को हमने कंपेयर कराया, कहाँ से कंपेयर करा, जहाँ पर हमने मान रखा था यहाँ पर माना था। ठीक है ना, तो 1 से 1 कट जाएगा, नीचे वाला 4 = 3x - 2y हुआ, यहाँ से 5th बना 6। ये आपका लास्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यदि क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ कि किस मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपका जैसा मन करे वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे जनरली बोल देता है कि सॉल्व द इक्वेशन या फिर सॉल्व द क्वेश्चन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जनरली बोल देता है। तो हम इसको चाहे जिस मेथड से उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इस बेस पे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसंट्रेट होकर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन को देखिए, हम इतना बता रहे हैं तब इतना ज़्यादा समय लग रहा है, यदि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, पहले प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट। लेट क्या मानेंगे, 1/x + y = u मान लीजिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, p q r s कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, u, एंड 1/x - y = v मान लिया। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा क्या बताइए, 5u। सोमयारण ये ऐसे है ना x + y, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x + y, 5 यहाँ u ऐसे। ठीक है ना, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 5u -2v = -1, इक्वेशन नंबर थर्ड बना। ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड मान लीजिए, थर्ड बना। यहाँ से देखिए 15u -7v = 10, इक्वेशन नंबर 4। अब बस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वेशन थर्ड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5u क्या बन जाएगा, 15u। ठीक है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 15u ये होगा 5 3 = 15u -3 2 = 6v = -3, इक्वेशन नंबर 5th। थर्ड बन गया 5th, क्यों, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्यों मल्टीप्लाई किया, 15u की इक्वल लाने के लिए। अब फोर्थ क्या है, 15u - 7v = 10, ये कौन सा है, फोर्थ वाला है। इन दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये कट जाएगा, ये क्या होगा बताइए, -1v। माइनस क्या हो जाएगा, 1v। अब -1v आ गया तो बताइए क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ये -1v देख लेते हैं, ये प्लस है ना, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -30। माइनस माइनस कट जाएगा, v = 1। डायरेक्ट लगा सकते हैं आप लोग, बहुत फास्ट लगाएंगे, यदि आप एक क्वेश्चन को आसानी से समझ जाए तो इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट लगा सकते हैं आप। तो भी की वैल्यू क्या आ गई, 1, और जब भी की वैल्यू 1 आ गई तो यू की वैल्यू क्या आएगी, इस भी की वैल्यू को कहीं पुट कर दीजिए, इस भी की वैल्यू चलिए हम पुट करते हैं 4 में। ठीक ना, तो पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग v = 1 इन इक्वेशन 4। तो 4 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15u
प्लस 7 इंटू 1 इजकल टू 10, यानी 15 यू इजकल टू 3, यू इजकल टू 3 अपान 15, यानी 1 बाई 5। यू की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 5। क्यों? अब यू और वी दोनों की वैल्यू मिल गई, अब क्या करेंगे? कंपेयर कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयर कराने के लिए लिखेंगे हेंस क्या, देखिए u इजकल टू 1 बाई 5 यहाँ से आया है और हमने माना है u इजकल टू 1 बाई x, यानी ये किसके बराबर होगा? 1 बाई x प्लस y के। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 1 अपान x प्लस y इजकल टू 1 बार 5। ठीक है, करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, x प्लस y इजकल टू 5। अच्छा समझ में आ रहा कैसे सॉल्व कर रहे हैं? 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, x का मल्टीप्लाई यहाँ, ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ देखिए v इजकल टू क्या है, 1 बाई 1, 1 का मतलब क्या, 1 बाई 1, और एक किसके बराबर, 1 बाई x माइनस वाई के। क्लियर है चीज़ें, x बाई वाई के बराबर है तो कट जाएगा, क्या मिलेगा, x माइनस वाई इजकल टू 1, इक्वेशन नंबर 6। जो इक्वेशन मिला 5th और 6th, इसको सॉल्व करेंगे ये क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 5 और x माइनस वाई इजकल टू 1। सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ लिख दिया कीजिए, जो भी कीजिए यहाँ क्या कीजिए, लिख दिया कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2x इजकल टू 6, यानी x इजकल टू 3। x वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए, तो y के लिए x वैल्यू को इनपुट कीजिए, लिखेंगे पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग कुछ भी लिख सकते हैं, पुटिंग x इजकल टू 3 इन इक्वेशन, कहाँ रखें, इन इक्वेशन 5th रख देते हैं, इक्वेशन 5th, तो 5th में रखेंगे क्या बन जाएगा, 3 प्लस वाई इजकल टू 5, देन वाई इजकल टू 2, ये x एंड y की वैल्यू आ गई। इस तरह आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो। ठीक है, आइए मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है जिसको आप होमवर्क के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग भरपूर कोशिश कीजिएगा कि होमवर्क सॉल्व, जब तक क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सरसाइज 3.3 का। अब तक हमने जो बताया वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज जो भी हम होमवर्क दिए उसको होमवर्क को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन था। यहाँ देखिए, यहाँ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बोला है सॉल्व दिस एंड वेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए, इस फार्मूले के लिए। मीन्स ये एक फार्मूला दिया है जिसका हम यूज बाद में करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यदि एग्जाम में यह क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आता है तो नहीं इसका कोई नाम लिखा है, नहीं कुछ लिखा है, बस ये लिखा है कि सॉल्व कीजिए। तो चाहे जिस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिस मेथड को आप लोग लगाना आसान लगता है उस मेथड से। क्लियर, तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और ये है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देखिए यदि इस क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ तो आराम से यहाँ से लिखेंगे सब्ट्रैक्ट और इन दोनों को काट देंगे, लेकिन यदि हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम इक्वेशन सेकंड में रख के y की वैल्यू निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आराम से फार्मूले पुट करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो बात यह है कि आप किस तरीके से सॉल्व करना पसंद करते हैं। भाई हम तो पसंद करते हैं एलिमिनेशन मेथड, आसान लगता है। ठीक है, यदि आपको चाहे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो बता दीजिएगा, हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं है, क्वेश्चन बस इतना ही बोला है कि सॉल्व कीजिए। क्लियर हो गई चीज़ें, आइए तो हम आपको तीनों मेथड बता चुके हैं, तो कौन सा पसंद करते हैं, आइए हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा कितना
5 और 3, वाई क्यूब डैक्स आगे कितना 5। ध्यान दीजिए हम क्यों ऐसा किए भाई, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या पता कि किस मेथड से सॉल्व करना है, आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा। हाँ लेकिन पार्टिकुलर बोल दिया है तब आपको लॉस हो जाएगा, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट हमने सॉल्व किया, एक लाइन में सॉल्व हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू पुट कीजिए, लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में रख देते हैं, चलिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11 और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या 11 माइनस 15, यही ना, यानी 2x इक्वल टू माइनस 4 एंड देन x इक्वल टू माइनस 2। दिखा दे रहा है x की वैल्यू क्या होगी माइनस 2, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू क्या होगी माइनस 2। क्लियर होगी चीज़ें आसानी से, ये कौन सा मेथड सॉल्व हो रहा है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि उन्मूलन विधि से, हिंदी मीडियम वाले जान जाए। आगे देखिए अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी से फाइंड करना है एम एक्स वैल्यू ना, यहीं से m की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की वैल्यू क्या है ये 5 लिखेंगे, m कुछ नहीं, x की वैल्यू क्या है माइनस 2 प्लस 3, 3 इधर आएगा तो 5 माइनस 3 इक्वल टू m इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा 2 m इंटू माइनस 2, माइनस 2 इधर आएगा ये 2 अपन माइनस 2 इक्वल टू m, प्लस 2 मत कर देना, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 m, m की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, हमको ये आसान लगा हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम आपको स्लाइड के रूप में दिखाएंगे और स्लाइड के रूप में क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें बस मैं आपको हिंट दूंगा, क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए बोला हुआ क्वेश्चन कंडीशन बोल दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो हमको दो नंबर मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि एक नंबर x है दूसरा नंबर है आपका y, लेकिन इसमें भी बोला है वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर फाइंड देम, एक नंबर दूसरे का क्या है 3 गुना है, तो हमको इसमें मानना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम मान लेते हैं कि x बड़ा है और x छोटा है y छोटा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, हम x को बड़ा मानेंगे और y को छोटा मानेंगे इस तरीके से, तो पहला कंडीशन यदि x बड़ा है तो x माइनस y इक्वल टू क्या होगा 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही ना। इसके बाद बोला है कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 3 गुना ज़्यादा है, तो उसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे x इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे सब्स्टिट्यूशन करके, अब कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं आप लोग खुद जानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट टू नंबर्स इज एक्स एंड वाई एंड एक्स इज द लार्जर नंबर, ठीक ना, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन से ये और सेकेंड कंडीशन से ये, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, ये ना होता है सप्लीमेंट्री, तो अब बात ये है कि दो हमको एंगल चाहिए, ठीक है, तो दो एंगल, एक एंगल मानते हैं एक्स और दूसरा एंगल मानते हैं वाई और दोनों का सम कर देते हैं 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आसानी से बन जाएगा, हम लिखेंगे आप लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू वाई देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्लियर। अब बोला है कि स्मॉलर बाई 80 डिग्री, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट द स्मॉलर बाई 80 डिग्री,
अब देखिए बोल रहा है कि एक एंगल लार्जर है और एक एंगल छोटा है। तो बताइए लार्जर एंगल को हम x को लार्जर मान लेते हैं और y को छोटा एंगल मान लेते हैं। तो बोला है कि x और लार्ज है तो कितना लार्ज है, तो बोल रहा है कि स्मॉलर से 18 डिग्री लार्ज है, यही ना। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू स्मॉलर से कितना, तो स्मॉलर में जब हम 18 को ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, लार्जर के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये फर्स्ट कंडीशन से, कंडीशन का मतलब होता ही है, वी नो दैट द सप्लीमेंट्री एंगल मीन सम ऑफ टू एंगल इज 180। और सेकेंड कंडीशन के अनुसार x माइनस वाई इक्वल टू 18, जैसे कि हमने बताया आपको। उसके बाद दोनों सॉल्व कर दें, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, आपकी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आप लोग अपने से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को आधा या हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ, जिससे कि आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800, ठीक है ना। कोच ऑफ क्रिकेट टीम का 7 बैट्स खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, ये बताइए हमको एक बैट का दाम पता रहेगा तब ना 7 बैट का दाम कॉस्ट पता कर पाएंगे। मान लेते हैं कि वन बैट का जो कॉस्ट है हम मान लेते हैं वो कितना है, एक्स रुपीज़ है। तो 7 बैट का कितना हो जाएगा बताइए, 7 बैट का हो जाएगा 7x रुपीज़। इसी तरह एक बॉल का हम मान लेते हैं वाई रुपीज़ है, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6 वाई रुपीज़, ठीक ना। तो क्या कंडीशन बोला है कि 7x और 6y का कास्ट कितना है, 3800। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, बस मैं हिंट दे रहा हूँ। बाद में जब खरीदने जाता है सी बाई खरीदने जाती है, क्योंकि सी लिखा हुआ है, ठीक है, सी बाई 3 बाइट्स एंड 5 बॉल्स फॉर इतना। इसके लिए सेकेंड कंडीशन के क्या लिखेंगे, 3x और 5y इक्वल टू 750। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगी चीज़ें, आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को हिंट, बस मैं हिंट दे रहा हूँ, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आइए